निक्कर कैसे बनेगा, और ऐसे बना दो, ये तो देसी वाला निक्कर बन गया वो टनने वाला है, नहीं समझ में आ रहा है ना सबको। उसके बाद आ जाता है जैसे कैमी, कैमी किस किसी ने देखी है, कैमी आपने देखी है, कैमी आपको समझ में आती है, कैमी कैसे बनाएंगे हम। कैमी बोले तो आपका यहां से ले लो, हाँ जैसे आपका एक्रॉस फ्रंट करीब आता है तो इस टाइप का आता है, ठीक ये रहता है ना, और यहाँ पे रिंग एडजस्टर। कैमी बोले तो समीज, समीज में क्या चौड़ी पट्टी आती है आपकी, और कैमी में क्या है थोड़ी पतली आती है, और उसमें रिंग एडजस्टर लगे होते हैं, अगर हमें कोई लंबाई बढ़ानी हो तो उसको बढ़ा सकते हैं, जो फैब्रिक लगा होता है रिंग एडजस्टर में, जैसे ब्रा वगैरह आपने देखे होंगे तो उसमें लगा, जैसे मास्टर जी ने अभी बनाया है, हाँ उसको हाइट के लिए है, वो हाइट जैसे कम ज्यादा करने, हाँ हाइट एडजस्ट करने के लिए लगाते हैं इसमें रिंग एडजस्टर, ठीक है। और उसने आपने देखे होंगे स्पोर्ट्स वियर जो रहते हैं जिम में, जैसे लड़कियां वगैरह पहन के जो आती हैं उसमें नहीं होते हैं, तो उनमें हाइट की जरूरत नहीं होती है, वो फिक्स रहते हैं, याद तक चीजें क्लियर हैं। हुडी टॉप देखा है किसी ने, हुडी वाला, ठंडी आ गई अब तो, कौन कौन पहन के आया है, हाँ यही है हुडी, ठीक है। अगर हम ये देखें रिवर्स कॉलर, रिवर्स कॉलर किसी को समझ में आता है, ये तो आपका रिवर्स टॉप समझ में आ गया, रिवर्स टॉप समझ में आ गया, रिवर्स कॉलर कैसे किसको बोलते हैं, नहीं समझ में आता है, जैसे मान लो आपका गारमेंट है, हाँ जी जैसे तोड़ेंगे तो इस टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है, और ये लाइन आपकी हो जाएगी ऐसे, यहां से टूट के इस तरह की आ जाएगी, समझ लो ये लाइन है ही नहीं आपकी, ठीक है ये है ही नहीं, समझ में आया, ये रिवर्स कॉलर, और एक टाइप को मान लो कोट कॉलर की तरह आ जाएगा, कोट की तरह आ जाता है, समझ में आया, ये देखो दिख रहा है ना, किस किस को समझ में आ रहा है, जैसे ब्लेजर वगैरह पहनते हो तो उसमें रिवर्स हो जाता है ना, रिवर्स मानी होता है उल्टा, हाँ उल्टा, जैसे बनाया तो सीधा बाद में उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, रिवर्स मानी क्या होता है उल्टा, हाँ। अब जैसे आ जाओ जम सूट, आ जाओ जम सूट किस किसी ने सुना है? देखा भी है एक बार। बनाया भी होगा, यस ठीक है, जम सूट मतलब होता है फुल पूरा जॉइंट होगा आपका यहां से लेके यहां तक, बीच में कोई बोनी होगा कि ऊपर से पैंट पहन ली, नीचे से पैंट पहन ली, ऊपर से हमने टॉप पहन लिया, वो क्या है जॉइंट रहता है, वो नीचे से ही पहना जाता है, ठीक है। जम सूट में सबसे पहले जो गारमेंट जब बनाते हो तो आपको पहनने का विशेष ध्यान रखना है, ये नहीं देखना कि ऊपर से पहना जाएगा, गारमेंट जब बने तो उसे ये जरूर देखो कोई सी भी गारमेंट हो कि पहना कैसे जाएगा वो, ठीक है, पहनना सीख जाओगे तो लूजिंग जिप वगैरह ये आपको अपने आप याद आ जाएगी, ठीक। और प्ले सूट कौन सा होता है, नीचे ऊपर ही होता है, प्ले सूट वगैरह जैसे आप देखेंगे मैच वगैरह खेलते हैं, हाँ स्पोर्ट्स वाले हो जाते हैं जैसे मैच वगैरह खेलते हैं तो यहाँ तक के रहते हैं जॉइंट उसको, हाँ उसकी लेंथ जो है कम रहती है, जैसे नी से एवा भी रहेगी, ठीक है, या नी तक रह सकती है, हाँ इसको क्या बोलते हैं प्ले सूट, ठीक है, क्या होगा ये प्ले सूट, ये तो चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अभी पहचानवाऊंगा तुम लोगों पे, शॉर्ट्स किसी को पता है, शॉर्ट्स किसको बोलते हैं, हाँ निकर, ये आई ना बात निकल के, जो भी है बना लेना अपनी पिक्चर, पैंट की तरह बनेगा मतलब, ठीक, पैंट से छोट लेगी, स्कर्ट समझ में आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो गारमेंट के अंदर टफ गारमेंट है वो बॉडी के ऊपर के गारमेंट रहते हैं, बाकी नीचे गारमेंट इतने टफ नहीं रहते हैं, आप एक एक बार समझोगे आराम से बना सकते हो, ऊपर के गारमेंटों में ज्यादा वेरायटी रहती है, ठीक। ट्रेंच कोट, कोट वगैरह समझ में आता है, कोट समझ में आता है, किस किसने पहना है, ट्रेंच कोट समझ में आता है, ट्रेंच कोट की सिर्फ लंबाई ज्यादा होती है, आप बर्फीली एरिया में जाओ जैसे कश्मीर साइड तो आपको लेंथ ज्यादा मिलेगी, हाँ घुटने से नीचे, हाँ वो ठंडी एरिया में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, याद तक समझ में आ गया, अब गारमेंट पहचाने।